गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स के क्रम में आज हम वुड यानी काष्ठ के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही पादपों का भोजन व वस्त्र निर्माण के पश्चात काष्ठ प्राप्ति में ही सर्वाधिक प्रयोग किया गया। प्रारंभ में काष्ठ से निर्मित बर्तनों, मकानों आदि का उपयोग किया जाता था। समय भी अपनी पुनरावृत्ति कर रहा है। आज प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से उत्पन्न हुई समस्याओं और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पुनः काष्ठ निर्मित बर्तनों की सलाह दी जाने लगी है। इसका एक प्रमुख कारण इसका रिन्यूएबल रिसोर्स होना भी है। काष्ठ का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है तथा मानव विकास में काष्ठ का विशिष्ट योगदान है। इसलिए हमें काष्ठ के बारे में पूरी जानकारी हमारे यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स के हेडिंग के तहत हमें लेनी है। डेफिनेशन ऑफ वुड, कास्ट की परिभाषा क्या है? एंजियोस्पर्म एवं जिम्नोस्पर्म के तनों में कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण सेकेंडरी जाइलम विकसित होता है। यह सेकेंडरी जाइलम ही वुड कहलाता है। कास्ट के द्वारा वृक्ष का व्यास बढ़ता है, जो ट्री है वो डायमीटर में बढ़ता है, और प्लांट में जो जाइलम है वो जल संवहन एवं पादप को दृढ़ता प्रदान करता है। सो व्हाट इज वुड? वुड इज बेसिकली कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से बना हुआ सेकेंडरी जाइलम है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ वुड, जैसा कि स्पष्ट है, हमने बताया है कि कास्ट एक प्रकार का सेकेंडरी जाइलम है। कैम्बियम की जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है उसकी वजह से भीतरी और इनर साइड में सेकेंडरी जाइलम का निर्माण होता है। कास्ट एक प्रकार का हेटरोजेनस टिश्यू है जो कि ट्रेकीट्स, वेसल्स, वुड फाइबर्स, मेडुलरी रेज आदि से मिलकर बना होता है। ये दिस इज प्राइमरी ग्रोथ ऑफ अ स्टेम, जिसमें हम फ्लोएम देख पा रहे हैं, कैम्बियम देख पा रहे हैं बीच में, और ये जाइलम है। दिस इज पिथ। आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ दिस इज पिथ, दिस इज प्राइमरी जाइलम, दिस इज सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम एंड प्राइमरी फ्लोएम, और दिस इज कॉर्क, दिस ऑल मेक्स बार्क, दिस इज कॉर्क कैम्बियम। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम आफ्टर अटेनिंग सेकेंडरी ग्रोथ, एंड हियर द सेकेंडरी जाइलम इज मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वुड। दिस इज तो ये कास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में है, कास्ट की संरचना के बारे में है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वुड। कास्ट का वर्गीकरण, कास्ट का वर्गीकरण एवं इसकी उपयोगिता जो है वो इसके जो विभिन्न भाग हैं जिनसे मिलकर ये कास्ट बनता है, जैसे कि जो कि द्वितीयक जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम है, और जो एक हेटरोजेनस टिश्यू है जिसमें ट्रैकीट्स, वेसल्स, वुड फाइबर्स, मेडुलरी रेज आदि सब शामिल होती, तो इन्हीं विभिन्न भागों की स्थिति एवं मात्रा पर जो है कास्ट का जो क्लासिफिकेशन है वो निर्भर करता है। हम इसको मेनली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पोरस वुड, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, एंड हार्ड वुड एंड सेप वुड। तो पोरस वुड या छिद्रिल कास्ट, इस तरह का कास्ट प्राय एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। कास्ट के अनुप्रस्थ काट में जाइलम की जो वेसल्स हैं वो गोल छिद्र के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं, और ऐसे कास्ट को हम पोरस वुड या छिद्रिल कास्ट कहते हैं। और फिर वाहिकाओं की
स्थिति के आधार पर इनको हम दो भागों में बांटते हैं। पोरस वुड किस प्रकार से बनती है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स एंड द पोजीशन ऑफ द वेसल्स के आधार पर हम इसको पोरस वुड को दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट इज रिंग पोरस वुड, वलय छिद्रिल कास्ट। इस तरह की कास्ट उन वृक्षों में पाई जाती है जो शीतोष्ण जलवायु में होते हैं। कास्ट की अनुप्रस्थ कार्ड बताता है कि इसमें स्प्रिंग वुड एवं ऑटम वुड की जो वितरण है वो समान रूप से नहीं होता है। यहाँ पे स्प्रिंग वुड जो है, स्प्रिंग वुड में जो वेसल्स होती हैं वो ऑटम वुड की तुलना में बड़ी होती है। एग्जाम्पल है इसका अल्मस, रोबिनिया। दूसरा आता है डिफ्यूज्ड पोरस वुड, विस्तृत संरद्रि काष्ट। इस प्रकार की काष्ट में जो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड का जो जो वृद्धि वलय है वो समान होता है, और इनमें जो है दोनों प्रकार में, दोनों ही प्रकार की जो वुड है उसमें जो इस वेसल्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चर और उनका साइज और उनकी विड्थ जो है वो समान होती है, जैसे मेंजीफेरा, डलबर्जिया एक्सेट्रा। सरंद्री कास्ट को तथा अरंद्री कास्ट को, सरंद्री कास्ट को हम हार्डवुड कहते हैं और अरंद्री कास्ट को हम सॉफ्ट वुड में की श्रेणी में रखते हैं। कास्ट का यह वर्गीकरण द्वितीयक जाइलम में वाहिकाओं की उपस्थिति होती है, तो कठोर कास्ट में जाइलम वाहिकाएं होती हैं और मृदु कास्ट में जाइलम वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। नेक्स्ट इज स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड ये टेम्परेट रीजन में कैम्बियम की सक्रियता जो है यहाँ पर स्प्रिंग सीजन में ज्यादा होती है, जिसके फलस्वरूप जो वेसल्स होती हैं वो छोटी एवं सक्रिय होती हैं और इनका रंग जो है वो गहरा होता है, इसे हम कहते हैं स्प्रिंग वुड। ऑटम वुड में जो है जो कैम्बियम है उसकी एक्टिविटी थोड़ी स्लो होती है, तो इससे जो है ऑटम वुड निर्मित होती है। इसका रंग तुलनात्मक रूप से हल्का होता है तथा ये बाहर की ओर उपस्थित होती है। स्प्रिंग वुड व ऑटम वुड मिलकर एक एनुअल रिंग का निर्माण करते हैं और एक रिंग जो है एक वृक्ष एक वर्ष की द्वितीयक वृद्धि को दिखाता है। एक स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड को मिलाकर हम एनुअल रिंग बनाते हैं, एनुअल रिंग कहते हैं उसको, और वो एक एनुअल रिंग जो है एक वर्ष में सेकेंडरी जाइलम की कितनी वृद्धि हुई है इसको बताता है। और किसी भी वृक्ष में, किसी भी ट्री में इन एनुअल रिंग्स की संख्या को गिनकर बताया जा सकता है कि उस वृक्ष की आयु कितनी है। और ये जो वनस्पति विज्ञान की शाखा है इसको हम कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट आता है हार्डवुड एंड सैपवुड। प्लांट की आयु वृद्धि के साथ कई कोशिकाएं तथा जो स्टेम है उसके सेंट्रल पार्ट में जो सेकेंडरी जाइलम है वो परिपक्व होकर अपनी कार्य क्षमता खो देता है और वो निष्क्रिय हो जाता है। तो हम जब इसका अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो हमें दो प्रकार के भाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। जब हम एक ओल्ड स्टेम का टीएस काटेंगे तो हमें उसमें दो पार्ट स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। उसमें फर्स्ट इज हार्डवुड, इसको हम ड्यूरामैन भी कहते हैं। ये कास्ट जो है ये जो स्टेम होता है उसके बिल्कुल सेंटर में होता है और एक तरह से डेड नॉन वेस्कुलर और बहुत ज्यादा हार्ड एक स्ट्रक्चर होता है। इन कोशिकाओं में टेनिन, रेजिन और भी सॉल्यूशंस भर जाते हैं, इनमें टाइलोसिस विकसित हो जाता है और ये गहरे कत्थई रंग की होती हैं। और व्यावसायिक दृष्टि से ये कास्ट अत्यधिक उपयोगी होती है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये कास्ट बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। ऑलमोस्ट डेड होती है पार्ट होता है ये, जो कि एक स्टेम का सेंट्रल पार्ट होता है। दूसरा है इसका सैपवुड या रस कास्ट, इसको हम इस कास्ट को एल्बर्नम भी कहते हैं। ये अंतर कास्ट को घेरे हुए जो हार्टवुड है इसको घेरे हुए हल्के रंग की वेस्क्यूलर वुड होती है ये,
जो कि द्वितीयक जाइलम का परिधीय भाग होती है, बाहर वाला पार्ट होती है द्वितीयक जाइलम का। अंतःकाष्ठ की तुलना में, हार्ड वुड की तुलना में ये एक नव निर्मित भाग है तथा इस काष्ठ का जो प्रमुख कार्य है, इस वुड का जो प्रमुख कार्य है वो जल व खनिज लवण का संवहन करना है, और कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन प्लांट को जीवित रखने का कार्य जो है वो ये सैपवुड ही। नेक्स्ट कम्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फूड। कोशिकीय संगठन एवं रासायनिक विशिष्टताओं के आधार पर काष्ठ के फिजिकल प्रॉपर्टीज का निर्धारण होता है, और इनको कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में वह गुण जो भिन्न भिन्न प्रकार के बाह्य बल लगने पर दृष्टिगत हो, उनको हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। स्ट्रेंथ, काष्ठ की वह प्रतिरोधक क्षमता जो उस पर बाह्य बल लगाने पर प्रदर्शित होती है उसकी। बेंडिंग स्ट्रेंथ, वह काष्ठ की शक्ति जो काष्ठ को टूटने से रोकती है, दिस इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, दो विपरीत दिशाओं में खींचने या तानने पर काष्ठ द्वारा जो विरोध दर्शाया जाता है, जो रेजिस्टेंस दर्शाया जाता है वो कितना है, दैट इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो उसको टूटने से बचाता है। शेयरिंग स्ट्रेंथ, बाह्य बल लगाने पर काष्ठ के द्वारा लगाए जाने वाला अपोजिट बल, जिसके द्वारा वह अपने रेशों को निश्चित स्थान से हटने से रोकता है, यानी कि वो जो वुड का जो स्ट्रक्चर है उसको टूटने से रोकता है, उसको हम कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेंथ या अपरूपण सामर्थ्य। फ्लेक्सिबिलिटी, लचक सामर्थ्य, बाह्य बल हटाने पर काष्ठ के पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में आकार ग्रहण करने की जो उसकी जो एबिलिटी है उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, ये भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में आता है। नेक्स्ट इज स्टिफनेस, प्रतिरोधक क्षमता जो कि काष्ठ पर लगाए गए बाह्य बल के विरुद्ध दर्शाई जाए, जिसके द्वारा काष्ठ के आकार में परिवर्तन किया जाता है। टफनेस, काष्ठ की वह क्षमता जिसके द्वारा वो हथौड़े आदि की चोट को निरंतर बिना टूटे फूटे सहन कर ले, टफनेस कहलाती है। ये भी किसी भी उसको आकार देने के लिए ये वाला जो गुण है ये होना बहुत जरूरी है, जो कि काष्ठ की कमर्शियल वैल्यू बढ़ाएगा। क्लीवेबिलिटी, विदलनता, काष्ठ द्वारा प्रदर्शित प्रतिरोध जो कि उसे विदलित करने के लिए लगाया जाता है उसे क्लीवेबिलिटी कहते हैं। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट इज क्रॉस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, काष्ठ द्वारा प्रदर्शित वह प्रतिरोध जो कि उसे झुकने या मोड़ने हेतु लगाया जाता है, क्रॉस ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कहलाता है। तो दीज ऑल आर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जिनके आधार पर हम इसका वर्गीकरण भी करते हैं। नेक्स्ट कम्स नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुड में नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ह्यूमिडिटी, काष्ठ की नमी सोखने की प्रवृत्ति होती है तथा सोखी गई आर्द्रता जो नमी है उसकी मात्रा घनत्व के प्रतिलोमानुपाती होती है। सामान्यतः अंतः काष्ठ में जो हार्ड वुड है उसमें सैप वुड की तुलना में नमी सोखने की क्षमता कम होती है। कलर, विभिन्न काष्ठ का कलर उसमें उपस्थित टैनिन व रंजक की भिन्नता के कारण पृथक होता है, मतलब डिपेंड काष्ठ का जो कलर है वो कौन डिसाइड करता है, उसमें उपस्थित टैनिन वगैरह जो वो हैं रंजक हैं वो उसकी कलर को प्रभावित करते हैं। ब्राइटनेस, काष्ठ की परावर्तन क्षमता के अनुसार काष्ठ की चमक विभिन्न। डेंसिटी, काष्ठ में उपस्थित कोशिकाओं, उसमें उपस्थित पदार्थों व वायु अवकाशों के अनुपात उसके घनत्व को निर्धारित करते हैं, और घनत्व के आधार पर काष्ठ को भारी, मध्यम, हल्का काष्ठ में वर्गीकृत किया जाता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ वुड। देन कम्स स्मेल,
बाष्पशील तेल की उपस्थिति जो है वो कास्ट की गंध के लिए उत्तरदायी है। कई बार आइडेंटिफिकेशन में ये जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लांट के आइडेंटिफिकेशन में भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो वोलेटाइल ऑयल्स जो मौजूद होते हैं वुड में वो उसको एक अलग पहचान देते हैं। फिगर्स, आकृति, कास्ट की सतह पर विभिन्न आकृतियों का कारण वृद्धि वलय एवं रेज होती हैं जो कि कास्ट को विशिष्टता प्रदान करती है। नेक्स्ट कम्स परमियबिलिटी। कास्ट में उपस्थित छिद्रों का आकार व वितरण संवहन कोशिकाओं की रचना, कोशिकाओं में टाइलोज व टेनिन की मात्रा इसकी परमेबिलिटी को निर्धारित करती है। परमेबिलिटी हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्वेंट को अपने में से गुजरने की जो परमिशन दी जाती है दैट इज परमेबिलिटी। देन ड्यूरेबिलिटी, विभिन्न जीवाणु कवक कीटों के प्रति कास्ट में उपस्थित प्रतिरोधक क्षमता के कास्ट के स्थायित्व व टिकाऊपन के लिए उपयोगी होती है। ड्यूरेबिलिटी जो है वो क्या है कि वो कितना उसमें डिजीज रेजिस्टेंस है अगेंस्ट बैक्टीरिया फंजाई इंसेक्ट्स, वो उसकी ड्यूरेबिलिटी को निर्धारित करते हैं। दीज आर ऑल नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सीजनिंग ऑफ फूड। कास्ट का मुख्य उपयोग फर्नीचर व निर्माण कार्य में किया जाता है, भवन निर्माण कार्य। इस हेतु कास्ट का शुष्क एवं कठोर होना अति आवश्यक है, जबकि कास्ट में 40 से 80% नमी की मात्रा होती है। कास्ट से नमी या जल को हटाना ही सीजनिंग कहलाता है। जो नेचुरल कास्ट नेचुरल वुड है उसमें उपस्थित नमी को हटाना सीजनिंग कहलाता है। इस प्रक्रिया में कास्ट की आकृति को परिवर्तित किए बिना नियंत्रित प्रक्रिया के माध्यम से इसको शुष्क किया जाता है, इसको ड्राई किया जाता है, इसकी सीजनिंग की जाती है। इसको हम दो विधियों से इसकी सीजनिंग की जाती है, एयर सीजनिंग एंड किल्ड सीजनिंग। एयर सीजनिंग, सीजनिंग की इस विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम कास्ट के जो कटे हुए लॉग्स हैं लट्ठे हैं उनको सूर्य की प्राकृतिक ऊष्मा में सुखाया जाता है। इस कार्य हेतु लट्ठों को हॉरिजॉन्टल अवस्था में एक के ऊपर एक रखा जाता है ताकि लट्ठों को चारों दिशाओं से हवा लगती रहे। लकड़ी के सूखने की प्रक्रिया धीमी होती है और सूर्य की जो उष्मा है उसमें लट्ठों को तब तक रखा जाता है जब तक कि नमी की मात्रा 12% नहीं हो जाती। इस विधि में अधिक समय लगने के कारण लगने के साथ समान तापक्रम में जो है वो सीजनिंग नहीं होती है। तो नेक्स्ट कम्स किल्न सीजनिंग, यानी कि भट्टी संशोधन, भट्टी संशोषण। ये कास्ट संशोषण या कास्ट सीजनिंग कृत्रिम रूप से किया जाता है। इसमें कास्ट के लट्ठों को विशिष्ट कक्षों में जो कि स्टीम हीटेड चैम्बर्स होते हैं, स्टीम हीटेड चैम्बर्स में इनको रखा जाता है। अब इन विशिष्ट कक्षों में शुष्क वायु प्रवाहित की जाती है और कास्ट को गर्म शुष्क वायु में रखा जाता है जब तक कि नमी 4 से 12% तक नहीं रह जाती। ये विधि महंगी है किंतु शुष्क कास्ट जो है इसमें कम समय में ही हमें प्राप्त हो जाती है। सो दीज टू मेथड्स फॉर एयर सीजनिंग एंड किल्न सीजनिंग फॉर द सीजनिंग ऑफ फूड। नाउ वुड प्रिजर्वेशन, कास्ट का परिरक्षण कैसे किया जाए? तो कास्ट के चिर स्थायित्व को रसायनों के प्रयोग से बढ़ाने को कास्ट परिरक्षण या वुड प्रिजर्वेशन कहते हैं।
इसके लिए मुख्य से पोटेशियम डाइक्रोमेट, आर्सेनिक पेंटाक्साइड, कोलटार, क्रियोसाट आदि का स्प्रे किया जाता है और रसायन के तनु विलयन में डुबोकर भी निकाला जाता है। इस प्रकार से वुड का प्रिजर्वेशन किया जाता है, कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का इसके ऊपर अप्लाई कर। तो इस प्रकार से हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ वुड, डेफिनेशन ऑफ वुड, देन मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वुड एंड देन सीजनिंग ऑफ वुड, प्रिजर्वेशन ऑफ वुड। तो मैं आशा करती हूँ आपको वुड का ये जो जनरल एक डिस्क्रिप्शन है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।